नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जमकर पसीना बहा रही हैं। हर अलग पार्टी अपना अलग हथकंडा अपना रही है ताकि उन्हें सियासी फायदा हो सके। इस बीच एनसीपी पवार गुट के मुखिया शरद पवार ने ऐसी बात कर दी है कि सभी के होश उड़ गए हैं और पूरे सियासी महकमे में एक हड़कंप मच गया है। सियासी संन्यास लेने का संकेत शरद पवार ने दे दिया है। जी हां, उन्होंने नई टीम को लाने की बात कह दी है। साथ ही साथ उन्होंने अपने राज्यसभा जाने और कहीं और नहीं जाने पर विचार करने की भी बात कही है। उन्होंने क्या कहा, पहले तो आप वो सुनिए। रिटायरमेंट के संकेत देते हुए एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा, कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, मुझे अब कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे अब चुनाव को लेकर रुकना पड़ेगा और नए लोगों को आगे आना होगा। मैंने अभी तक 14 बार चुनाव लड़ा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। मेरे राज्यसभा के कार्यकाल में अभी समय बचा हुआ है, इसके बाद मैं राज्यसभा में जाऊंगा या नहीं इस पर मुझे विचार करने की जरूरत है। मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे अब MLA या MP नहीं बनना। शरद पवार भारतीय राजनीति के एक बड़े नेता रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को लंबे समय तक दिशा दी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका बड़ा प्रभाव रहा है। शरद पवार की रणनीतियां और उनकी राजनीतियां सबकी समझ की बात नहीं है। अगर वो नेता राजनीतिक रूप से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं तो ये सभी के लिए काफी हैरान कर देने वाला है। इसका असर न केवल उनकी पार्टी पर पड़ेगा बल्कि महाराष्ट्र और पूरे देश की राजनीति पर भी पड़ेगा। कैसे, चलिए वो भी बता देते हैं। दरअसल उनके संन्यास के बाद कई बदलाव होंगे, जैसे शरद पवार के बिना एनसीपी के लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो सकता है। पवार की मजबूत नेतृत्व शैली और चुनावी रणनीतियों के कारण ही उनकी पार्टी सत्ता में रही। उनके बिना पार्टी को एक नए और सक्षम नेता की तलाश करनी पड़ेगी। पवार के भतीजे अजीत पवार का नाम सबसे पहले सामने आएगा, लेकिन क्या वो पवार के जैसा प्रभाव छोड़ पाएंगे ये देखना और सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा। इसके अलावा बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का बहुत बड़ा असर रहा है। वो समय समय पर सत्ता के गठबंधनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। पवार के बिना राज्य में भाजपा और शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना है, उसका दबदबा बढ़ सकता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जब महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मची थी तब पवार के एक आदेश पर सारी समस्या सुलझ गई थी। वहीं अगर पवार के संन्यास के बाद की बात की जाए तो उनकी पार्टी और राजनीति में उनका स्थान कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। अजीत पवार, जितेंद्र वाड़ और अन्य युवा नेताओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है। हालांकि पवार जैसे नेता की कमी महसूस होती रहेगी क्योंकि उनका राजनीतिक अनुभव और दूरदृष्टि आसान नहीं होगी। नए नेता अगर पार्टी को सही दिशा में नहीं ले जा पाए तो एनसीपी की स्थिति एकदम कमजोर हो जाएगी। पवार के संन्यास से महाराष्ट्र में राजनीतिक गठबंधनों पर असर पड़ेगा। वर्तमान में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे गुट का गठबंधन है, लेकिन पवार के बिना इस गठबंधन की ताकत कमजोर हो सकती है। शरद पवार का संन्यास महाराष्ट्र और भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। उनका नेतृत्व, रणनीति और राजनीतिक समझ एनसीपी और विपक्ष राजनीति के लिए एक खालीपन पैदा कर सकती है। पवार के बिना राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नए नेताओं को अपनी पहचान बनानी होगी। हालांकि सही दिशा में नेतृत्व मिलता है तो एनसीपी और विपक्ष दल नए समीकरण बना सकते हैं, लेकिन पवार जैसा नेता मिलना महाराष्ट्र की राजनीति तो क्या राष्ट्र की राजनीति के लिए भी आसान नहीं होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।